स्वच्छता अभियान पर कर लो नशे पे। क्या तुम देख नहीं रहे हो नशे से कितने कितने घर बर्बाद हुए हैं? स्वच्छता अभियान नशे पे तो हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज तो 14 सितंबर है, आज हिंदी पे बात कर ले। हिंदी पे क्या बात करें? हिंदी तो हम सब बोलते हैं। हाँ, हिंदी पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक विषय भाषा ही नहीं है। क्या है बड़ा बताने, ना कोई हिंदी विषय होते, ना कोई भाषा होती है। नई बातें बताने आ जाते हैं। तो क्या है हिंदी? हिंदी जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाला आधार है। हिंदी समाज को एकजुट रहकर खड़ा करने वाली एक मजबूत बुनियाद है। आश्चर्यजनक बात हो सकती है? कोई बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं आज हम अपने समाज की हालत जो देख रहे हैं, वो हिंदी की नाकदरी करने की वजह से है। चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अपनी मातृभाषाओं को अपनाकर कहां पहुंच गए? हम अपनी अंग्रेजियत की धुन में अंधी धुन में भाषा और जीवन को दोनों को अपंग करके कहां पहुंच गए? हम पढ़े लिखे होकर भी सही मायने में शिक्षित नहीं बन सके। हम हिंदी के ना हो सके, ना ही अंग्रेजी के हो सके। मातृभाषा को ठुकराकर हमारी हालत कैसी हो गई? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट के जैसा के जैसी। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट के जैसी। ठीक है, तो क्या अंग्रेजी न पढ़े? अंग्रेजी सीखे और बहुत अच्छे से सीखे, लेकिन हिंदी बोलने में शर्म महसूस ना करें और दूसरों को भी शर्म महसूस ना कराएं।
तो देखा आप सभी ने, बच्चों ने आपको मातृभाषा का महत्व बताया, बच्चों ने यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हम जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसकी जो दिशा होगी वो सही दिशा में जाएगा या हम उससे गलत प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें कौन तय करता है, ये तय करती है हमारी मातृभाषा। इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में तो बहुत बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से ही अपनी बातें पहुंचाएं और उनके बीच का सही और गलत का भेद बताते हुए आगे उसकी शिक्षा को ले चले। भारत को राष्ट्र बनाना है, हिंदी को अपनाना है। भारत को सुराष्ट्र बनाना है,